गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में हमारा नेक्स्ट व्यंजन स, स से सपेरा राइट करना सीखेंगे। और बच्चों, उससे पहले हम क्या करेंगे, ओरल। ओके, व्यंजन स, स से सपेरा। स से सपेरा बीन बजाता, स से सपेरा बीन बजाता, अपनी धुन पर सांप नचाता, अपनी धुन पर सांप नचाता। ओके, स से सपेरा, स से संतरा, स से सेब, स से सब्जी। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, व्यंजन स, स से सपेरा राइट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप वन में हम कर्व मेक करेंगे और इस कर्व के अंदर स्मॉल सा सर्कल करेंगे और अब इसी सर्कल को बाहर स्लैंटिंग लाइन में लेकर आएंगे। स्टेप वन में हमने कर्व किया, इसके अंदर स्मॉल सर्कल किया और इस सर्कल से हम बाहर स्लैंटिंग लाइन लेकर आए। ये हमारा स्टेप वन था। और स्टेप टू में हम स्लीपिंग लाइन साथ में ज्वाइन करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में स्टैंडिंग लाइन, स्टेप 4 कर सर्कल और इसी सर्कल से बाहर स्लैंटिंग लाइन लेते हुए आना है। जैसे बच्चों हमने र से रथ बनाया था, वैसे ही हमने पहले यहाँ पर र से रथ बनाना है और बाद में स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप, व्यंजन स। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्टेप वन में हमने कर्व करना है और कर्व के अंदर स्मॉल सर्कल करते हुए इसे बाहर स्लैंटिंग लाइन में लेके आना है। व्यंजन र जैसे बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। स्टेप टू में हम स्लीपिंग लाइन ज्वाइन करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ओके, व्यंजन स, स से सपेरा। स से सपेरा बीन बजाता, अपनी धुन पर सांप नचाता। व्यंजन स, से सेब। स से सपेरा राइट करने के लिए बच्चों आप भी नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम र बनाएंगे, र से रथ, फिर साथ में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप। ये क्या बन गया हमारा व्यंजन स। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कर सर्कल स्लैंटिंग लाइन, क्या बना, र, र से रथ। और अब इसी र से रथ को हम स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गया, व्यंजन स। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कर सर्कल स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, व्यंजन स। कर सर्कल स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और लास्ट में स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप, व्यंजन स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।